step. Oh. हाँ? डर लग रहा है. अरे हम है ना. कुछ नहीं. टर्न. ओके. आंखें नहीं खोलना. आगे नहीं खोलना. ओके. अब खोल लूं? अरे नहीं अभी नहीं. जब मैं खोल लूं? अरे हम कह रहे हैं ना अभी नहीं. अब खोल सकती हो. ओह वाह. ये सब मेरे लिए? ये भी और हम भी. पर हम इसकी वजह से नहीं कह रहे थे कि आंखें बंद रखो. वो तो इसलिए कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत लग रही हो. खुद को देख लेती तो अपनी नजर लग जाती. देख तो ये आंखें. पता है जॉन साहब ने इन आंखों को देखा नहीं फिर भी लगता है कि इन्हीं के बारे में कहा है. क़यामत ख़ेज़ है ये आंखें. हम ख्वाब किसके देखते हैं? मैं शायर की बीवी हूँ लेकिन मुझे तो शायरी बिल्कुल नहीं आती. शायर की बीवी बन के क्या मिलेगा? हमेशा उदास रहोगी. मायूस. शायर की महबूबा बनो क्योंकि एक शायर को अगर पूरा जहान भी मिल जाए ना तो शेर वो सिर्फ महबूबा के लिए ही कहता है. बीवी बनना तो मेरे इख्तियार में है. मैं बुआ सिर्फ तभी बनी रहूंगी जब आप बना के रखेंगे. क्यों नहीं रखेंगे? पता है मोहिन जब सामने तुम्हें देखा है दिल से बस एक ही दुआ निकलती है कि जब तक जिंदा है तुम्हें ही देखे तुम्हें ही सुने और बस तुम्हें ही लिखे. ये बेचारा अकेला नाराज हो जाए. आप मेरा हाथ पकड़. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. थैंक यू. अब बरसेंगे खुशियों के बाद. अब आप से जो बिछड़े अपने पराए भूल के रास्ता मिल जाएंगे तपते रहते जैसा सावन बरसे मारे देश सखी कल से कॉल कर रही हूँ. आप क्यों मेरा फोन उठा रहे हैं? मुझे फोन पे ही बात कर लिया करें. बताओ क्या बात करनी है? आप इस उखड़े अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ? हर मौके पे तंग करना जरूरी होता है क्या आशा? कोई मौका तो जाने दिया करें. आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ. मुझे इतना डर लगता है जिस इंसान ने आप पे पहले हमला किया अगर वो वापस आ गया तो सनी मैं क्या करूँगी? बस हमारे लिए परेशान मत हुआ. कैसे परेशान ना हूँ अशर? जब से आप गए हैं आपकी बेटी मुझसे तरह तरह के सवाल करती है. क्यों अपनी बेटी के सामने मुझे मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था सोचा आपको देख लूं. कैसी हैं आप?
शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। I'm sorry, शायद मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप उस दिन बहुत परेशान थी और आपके साथ भी कोई नहीं था, तो मैंने सोचा शायद आपको मेरी किसी किस्म की मदद की जरूरत हो। थैंक यू। ओके, मैं चलता। ठीक। आई एम सॉरी मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती, एक्चुअली सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कब तक इस तरह गोशा नशीनी इख्तियार किए रहोगे? बाहर निकलो, कोई इंटरव्यू दो, लोग आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। अभी होगा नहीं हमसे। क्या नहीं हो पाएगा? अरे भाई, अगर इस मौके से फायदा ना उठाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जानते हो एनजीओ की इंक्वायरी चल रही है, अगर इस वक्त पब्लिक प्रेशर कम पड़ गया ना तो फैसला उनके हक में भी जा सकता है। यही तो वक्त है फल मिलने का। तुम समझ नहीं रहे। जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि हम पे गोली चलाने वाला कौन था, तब तक कुछ और नहीं सोच सकते। तुम ये बात भूल क्यों रहे हो? तुम्हारी बीवी की एनजीओ पर बैन तुम्हारी ख्वाहिश पर लगा था। तुम भी तो यही चाहते थे ना, तुम्हारी ख्वाहिश पर इतना बड़ा कदम उठाया गया, तुम पीछे कैसे हट सकते? तुम हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। जिंदगी के उस फेज में कि किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छिन गया हमसे, जैसे सब खाली है। थोड़ा वक्त दो, खुद को समेटने के लिए थोड़ा वक्त, बस। अगर ये वक्त गुजर गया ना तो हमारे पास सिर्फ वक्त ही रह जाएगा, ना नाम रहेगा ना काम। अब तक तो बीवी के नाम से पहचान थी तुम्हारी, फिर शायद बीवी भी ना रहे। एनजीओ पर बैन तुम्हारे कहने पर लगा है और ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। सोचो अगर ये बात उस तक चली गई तो अगर बाकी जिंदगी एक नाकाम शख्स बनकर गुजारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये जो हर जगह तुम्हारे नाम की धूम मची हुई है ना, ये ऐसे ही फ्री में नहीं होती, इसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और आप इतना तो समझते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट बगैर मकसद के नहीं होती। तो मेरा काम था आपको समझाना। समझ गए। मैं अब चलता हूं, आप सोच लें। क्या हुआ, एनजीओ बहाल हो गई तुम्हारी? वो जिस लड़की को इंसाफ दिलाना था तुमने, जिसका मर्डर हो गया था, उसका कातिल गिरफ्तार करवा लिया तुमने, यही है तुम्हारी परेशानी?
ये लो माहीन गरम गरम कॉफी। थैंक यू। अशर का फोन आया था, क्या बात हुई? क्या बात होनी थी, मुझे तो समझ नहीं आता वो मुझसे इतने बदगुमान क्यों है। कि अजनबियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है भैया। तो माहीन तुम्हें चाहिए कि उसकी बदगुमानी दूर करने की कोशिश करो। कैसे कैसे दूर करूं, वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम जब भी बात करते हमारे फासले और बढ़ जाते हैं। हमारा रिश्ता इस पॉइंट पे आ गया है कि मिलना तो दूर की बात है, मैं तो उनको कॉल करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है? मुझे तकलीफ देने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देती। मैं तो अब इस रिश्ते से ही मायूस होती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि वो कोई जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमारा ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। माहीन तुम जानती हो क्यों क्या चाहता है भैया। हम दोनों ने जब शादी की थी हम ऐसे नहीं थे, हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की प्रायोरिटीज को जानते थे, हम एक दूसरे पे अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत करते थे। जब मैंने शादी की थी उस वक्त भी मेरे यही एम्स थे और उनको पता थे ये बात। मुझे लगता है कि बस अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। हेलो।